गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया यूनिट पढ़ेंगे आफ्टर एप्पल पिकिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ठीक है। बेसिकली एक दो इसको दो तीन तरीके से आप लोग समझ सकते हो। एक है कि शायद इनका ड्रीम है जो ये सोते हुए देख रहे हैं, इसमें इन्हें ये सारे इंसिडेंट्स याद मतलब समझ में आ रहे हैं। या फिर हो सकता है एक ऐसा भी ऐसा दिया गया इसके अंदर कि इनकी डेथ नियर है, ये मरने वाले हैं, और इनकी डेथ से पहले इनको ये सब चीज़ें इन्होंने एक नरेशंस के तौर पर दिए, जैसे कि साइन होते हैं ना कि कोई और मीनिंग होता है और कोई और चीज़ से उसे डिनोट करके बताते हैं। तो वैसे आप लोग खुद से समझ के देखना आपको जो बेटर मीनिंग समझ में आए, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ से ये कहते हैं कि मेरी जिस लेडर पे वो खड़े हैं, माय लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर स्टिकिंग थ्रू अ ट्री। तो वो कहते हैं एक ट्री पे मैंने अपनी लेडर को रखा हुआ है, टूवर्ड्स हेवन स्टिल, तो मतलब एकदम स्टिल वो लेडर खड़ी है। देर इज़ अ बैरल दैट आई डिडेंट फिल, मतलब उनके पास कई बैरल है जो खाली हैं अभी भी, जिन्हें उन्हें भरना है। बिसाइड इट एंड देयर मे बी टू और थ्री, मतलब एक नहीं और भी दो तीन हो सकते हैं। एप्पल आई डिडेंट पिक अपॉन सम बो, तो कहते हैं कि एप्पल मैंने सारे नहीं तोड़े, अभी कुछ बचे हुए भी हैं। पर मैट आई एम डन, बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। तो वो कहते हैं कि मुझे अब नींद आने लगी है और मैं थक चुका हूँ एप्पल तोड़ तोड़ के। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्रोसिंग ऑफ, मतलब जो वेव्स एप्पल की सेंट है ये मुझे और ज़्यादा नींद में डाल रही है। आई कैन नॉट ड्रॉप स्ट्रेंजनेस फॉर माई साइट, तो मैं और ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, तो मैं ग्लास से जब देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि मेरे इतना काम आज नहीं हुआ है आज के टाइम में जितना काम होना चाहिए। आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ, तो जो नॉर्मल ट्रफ है पीने के लिए जो रहता है तो उसके सामने ये देखते हैं तो मॉर्निंग में। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड हर एक ग्लास, तो ये उन्होंने वहाँ से देखा था सुबह सुबह। इट मेल्टेड आई लेट इट फॉल ब्रेक, तो ये पूरी सेंटेंस का ये मतलब है कि उन्होंने वो नहीं चाहते कि जो एप्पल है वो गिरे और टूटे, ठीक है। एक्चुअल में एप्पल की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं क्योंकि एप्पल पिकिंग करते हैं। बट आई वॉज वेल, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, तो मेरी जो नींद आने वाली है उससे पहले मैं गिर ना जाऊँ कहीं। एंड आई कुड टेल, मैं कह सकता हूँ वॉट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, तो मेरा सपना मुझे क्या दिखाना चाह रहा है। उनके सपने में उन्हें ये दिखता है कि मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, तो बड़े बड़े एप्पल के छोटे छोटे एप्पल बड़े बड़े दिख रहे हैं और उसमें भी वो मतलब छोटे बड़े होते जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, कभी दिख रहे हैं। स्टीम एंड ब्लॉसम एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट, फ्लैक ऑफ रसेट मीन्स कलर ऑफ एप्पल, डार्क रेड और डार्क ब्राउन यू कैन से दैट। माइन स्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एज, मतलब मेरे जो लैडर पे जो उनके फुट अटके हुए हैं तो उसमें दर्द भी हो रहा है, एज है ना। और वो कह रहे हैं कि वो सारा प्रेशर झेल के रखे पूरे लैडर का, लैडर राउंड। आई फील द लैडर स्वे एज द बोग बैंड, तो मैंने मुझे समझ में आ रहा है कि जो लैडर है वो हिल रही है धीरे धीरे। आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेला बीन, तो उनकी लैडर जिस चीज़ पे खड़ी है वहाँ से भी नीचे से आवाज़ें आने लगी है, जैसे कि कभी लैडर ठीक से नहीं रखी होती है तो उसके नीचे से आवाज़ें आने लगती लकड़ी की। द रंबलिंग साउंड, लकड़ी की जो उनकी लैडर है उसमें से भी साउंड आने लगा है। ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल कमिंग इन, तो कभी वो एप्पल को तो रख रख के उन्होंने वजन कुछ ज़्यादा ही कर लिया। फॉर आई हैव हैड टू मच, तो उन्होंने कहा मैं आज बहुत कर चुका हूँ। ऑफ एप्पल पिकिंग आई एम ओवर टायर्ड, आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट, तो वो कहते हैं कि मैं ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड, तो मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मैंने आज काम कर लिया है। देर वर 10,000 फ्रूट टू टच, तो वो कहते हैं कि और 10,000 फ्रूट हैं जो अभी तोड़े नहीं गए। चेरिश इन हैंड लेट डाउन नॉट टू नॉट लेट फेल, तो वो कहते हैं कि मैं अपने हाथ से उन्हें पकड़ूंगा, गिरने नहीं दूंगा और उन्हें गिरने नहीं दूंगा। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, और जो गिर चुके हैं नो मैटर इफ नॉट बर्स्ट और स्पाइक विद स्टबल, तो कटे फटे सेबों को भी वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप, तो वो क्या उनके एप्पल के जूस, साइडर मतलब जूस होता है एप्पल के साइडर में यूज जाएंगे। एज ऑफ नो वर्थ, के उनका कोई वर्थ ना हो। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल, तो ये कोई देख सकता है कि इसमें कितनी सारी दिक्कतें हैं। दिस स्लीप ऑफ माइंड वॉट एवर स्लीप इट इज, तो ये मेरी जो स्लीप है वो कह रहे हैं कि मैं जो आज मुझे आज नींद आ रही है ये नींद आम नींद की तरह नहीं है। वर ही गॉ नॉट गॉन द वुड चक कुड से वेदर इट इज़ लाइक, तो वो कहते हैं कि जो वुड चक जो एक वुड पैकर आता है तो वो कह सकता है कि ये आप क्या हो रहा है। लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग और जस्ट सम कॉमन स्लीप, तो वो कह रहे हैं कि ये स्लीप नॉर्मल मुझे नहीं लगती जैसे कि लोग ह्यूमंस को आती है, मुझे ये स्लीप थोड़ी अलग रही है। तो एक्चुअली में ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इन्हें क्या क्या फील हो रहा है जब ये सिलेंडर पे खड़े होकर एप्पल पिकिंग करने गए हैं। तो वहाँ पर इन्हें थकान भी हो रही है, इन्हें नींद भी आ रही है, और एक्चुअली में इन्हें दो तरीके से ले सकते हो कि ये उनका या तो सपना भी हो सकता है या तो फिर ये डेथ के बहुत पास हैं और ये दूसरी चीज़ों से इन्हें डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि
जो इन्होंने साइंस दिखाए, जैसे कि वो जो सीढ़ी का हिलना या फिर जो भी चीज़ें, वो सारे इनकी डेथ के साइन है कि इनकी डेथ पास आ चुकी है और ये इन्हें एप्पल पिकिंग से करने के, मैं दुनिया में टायर हो चुका हूँ जी जी के, अब मैं नहीं चाहता और जीना। जैसे कि एप्पल पिकिंग एक काम है, वैसे जीना भी उनके लिए काम है। तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत रिजेंबल कर पाएंगे। बेसिकली ये यूनिट आपको छोटी सी यूनिट है, थोड़ा छोटा सा मैसेज देती है, ठीक है।